सबसे ज्यादा अगर हम अपनी स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर हम हमेशा की तरह अग्रसर होना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है कि हमारे अंदर राजनीतिक मजबूती होना बेहद और अत्यंत ही जरूरी है। साथियों, ये राजनीतिक मजबूती हमें कैसे मिलेगी, इस पर प्रकाश माननीय सांसद जी डालने का काम करेंगे। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो कुछ भी यहां पे आप लोगों को बताने का काम किया जाएगा, कोई भी ब्राह्मण अगर आता है तो उसको ये पता है कि यहां पे हमारा सांसद है और धड़ल्ले से अपने हमारे आवास पे हमारे घर पे अपना घर समझ करके आकर के बैठता है और पूरी मजबूती से अपनी बात रखने का काम करता है। उसको कहीं पीछे की कुर्सी नहीं लेनी पड़ती, उससे ये नहीं पूछा जाता कि भाई आप क्या चाहते हैं। साथियों, हम वोट लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं दलित समाज हमको वोट दे दे, हम चाहते हैं कि ग्राम प्रधानी के दलित समाज पूरा हमको वोट कर दे, लेकिन जब हमारी बारी आती है उधर वोट देने की, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर अगर अपना सौजाते नहीं दिखता है तो फिर कहीं ना कहीं हम पीछे हटने का काम करते हैं, हम बहकावे में आ जाते हैं, हमें बहका दिया जाता है कभी हिंदुत्व के नाम पे और कभी और चीजों के नाम पे, फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पे बहका करके हमारा वोट लिया जाता है, लेकिन हमें कभी भी मजबूत करने का काम नहीं किया जाता। अगर हमें सत्ता के करीब रहना है, अगर हम चाहते हैं कि हम लोग प्रधानी बीडीसी से लेकर के प्रधानी जिला पंचायती और विधायक और सांसद बना के रखे और अपनी स्थिति परिस्थिति को मजबूत करें, तो हमें सर समाज को साथ जोड़ने का काम करना पड़ेगा, और क्योंकि हम समाज के अगुआ है तो हमें समाज के सबसे पिछड़े व्यक्ति को भी अपने साथ पूरी मजबूती के साथ लेकर के चलना पड़ेगा, तभी हम अगुआ कहलाएंगे, तभी हमारा मान सम्मान होगा और तभी हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। साथियों, आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, बातें और लंबी चौड़ी होती रहेंगी, अब मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।